नमस्कार दोस्तों, कैसे सब लोग? सब कुशल मंगल? अच्छा, एग्जाम कैसे गया? मैथ का पेपर कैसा था? एकदम फाड़ू, कड़क, मस्त था? जो भी हमने सिखाया था उसी में से आया था, करेक्ट? 100% कवर्ड। तो मैं आपका दोस्त, आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है टैक्स। अब तुम लोग सोचोगे, सर ये कौन सा नया सब्जेक्ट? ये तो वही सब्जेक्ट है जो पिछले सेम में हमने सीखा था, नाम वही है, बट पिछले वाले टैक्स में और इस सेम के टैक्स में जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है? पिछले सेम में हमने जो सीखा था उसका नाम था इनकम टैक्स। सही बोल रहा हूं ना? इनकम टैक्स, इट वॉज द पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और इस सेम में हम जो सीखने वाले हैं उसका नाम है इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स के दो टाइप हमने देखे थे। अगर आपने हमारे पिछले सेम के वीडियोस देखे हैं तो सबसे पहले लेक्चर में मैंने ना एक संता बंदा की कहानी बताई थी। किसी को याद है संता बंदा की कहानी? तो उसमें हमने देखा था कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो हम डायरेक्टली मेरे जेब से डायरेक्टली गवर्नमेंट के जेब में पे करूंगा उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? मैं किसी और इंसान के थ्रू अगर गवर्नमेंट को पे करूं तो उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स, करेक्ट? तो डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स एक एग्जांपल है जो हमने पिछले सेम में सीखा था। इस सेम में हम इनडायरेक्ट टैक्स सीखने वाले। अब इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले आता है सेल्स टैक्स, फिर आता है सर्विस टैक्स, फिर आती है एक्साइज ड्यूटी, फिर आता है कस्टम्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं। इस सेम में हमें क्या सीखना है? हमें सब कुछ नहीं सीखना है, ये सारा सिलेबस तुम लोग को सीए, अगर सीएस अगर तुम लोग करोगे तो उसमें तुम्हें सीखने मिलेगा। अभी हम क्या सीखने वाले? सेल्स टैक्स एंड सर्विस टैक्स। एंड सेल्स टैक्स को ही हम बोलते हैं वैट, और ये वैट हर स्टेट का अलग अलग होता है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से जो भी वैट आया है उसको हम लोग बोलते हैं महाराष्ट्र वैट, महाराष्ट्र वैल्यू एडेड टैक्स। तो इस सेम में हम लोग क्या सीखने वाले? सेल्स टैक्स एंड सर्विस टैक्स। अब तुम लोगों ने सुना ही होगा कि इस सेम के टैक्स में बहुत ज्यादा थियरी है, करेक्ट? सुना होगा ना, किसी ना किसी ने तो बोला होगा, आपके दोस्तों ने बोला होगा, बाकी क्लासेस के बच्चों ने बोला होगा या कॉलेज में बोला होगा कि इस सेम का टैक्स मतलब बहुत ज्यादा थियरी है। रॉन्ग। इस सेम का टैक्स भी उतना ही प्रैक्टिकल है। 75 मार्क्स के पेपर में से पिछले सेम में कैसे था, 45 मार्क्स के सम्स आते थे, 15 मार्क का ऑब्जेक्टिव और 15 मार्क का शॉर्ट नोट, करेक्ट? इस सेम में भी सेम टू सेम है, 45 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 15 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स एंड 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, ठीक है? तो वो सिखाने का तरीका होता है। मैं तुम लोग को चैलेंज देता हूँ कि इस सेम में तुम लोग को फील नहीं होगा कि हम लोग ज़्यादा थियरी पढ़ रहे। हाँ, थियरी है, पिछले सेम में भी थियरी थी, रेसिडेंशियल स्टेटस के कंडीशंस थे, सारे डिडक्शंस हमने किए थे, फिर हमने हाउस प्रॉपर्टी, DLOP, VLOP, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, अनरियलाइज रेंट, सैलरी में भी ग्रेचुटी, पेंशन, अलग अलग चीज़ें हमने की थी, परक्विजिट अलाउंसेस, थियरी पिछले सेम में भी थी, इस सेम में भी है, ठीक है? तो ये दिमाग से निकाल दो कि ये पूरा थियरी सब्जेक्ट है। थोड़ा सा अलग है क्योंकि दोनों गवर्नमेंट अलग है। इनकम टैक्स जहां आता है उसको बोलते हैं CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अपने फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर दो डिपार्टमेंट होते हैं, एक होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, CBEC। तो दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा अलग है। इनकम टैक्स मैं खुद मेरे इनकम पे गवर्नमेंट को पे करूंगा, और ये सारे जो टैक्सेस होते हैं वो लोग अपने खर्चों पे पे करते हैं। अब देखो हमने क्या क्या डिफरेंसेस देखे थे पिछले सेम में। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो हम लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो हम लोग किसी और इंसान के थ्रू गवर्नमेंट को पे करते हैं। ये पहला डिफरेंस था। दूसरा हमने देखा था डायरेक्ट टैक्स जो होता है दैट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, जैसे जैसे मैं तरक्की करूंगा वैसे वैसे हमारा गवर्नमेंट तरक्की करेगा, वैसे वैसे हमारा टैक्स बढ़ेगा। 2,50,000 तक इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं होती है, उसके आगे वो 10% हो जाता है,
फिर उसके आगे 20% हो जाता है, 10 लाख के आगे वो 30% तक हो जाता है, करेक्ट। अब बहुत ज्यादा अगर तुम अमीर हो, करोड़ करोड़ों रुपए कमा रहे हो, तो तुम लोग को एक एक्स्ट्रा टैक्स भरना पड़ता है, दैट इज सरचार्ज। तो इनकम टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जैसे जैसे मैं तरक्की करूंगा वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स में वैसे होता है क्या, मैं जाके मैकडी में बर्गर खाऊंगा तो 40 रुपए का बर्गर वो 44 रुपीज में देंगे। फॉर एग्जाम्पल मुकेश अंबानी जाके खाएगा तो 40 रुपए का बर्गर 80 रुपए में देंगे, नहीं, सबके लिए सेम। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर नॉट प्रोग्रेसिव इन नेचर। फिर हमने क्या डिफरेंस देखा था कि डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो उसमें मनी अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, मैं इनकम कमाऊंगा तो मैं टैक्स पे करूंगा, करेक्ट, मैं इनकम कमाऊंगा और मैं टैक्स पे करूंगा, अपोजिट डायरेक्शन। बट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, मैं पैसे खर्च करूंगा, मैं सर्विस परचेस करूंगा, गुड्स परचेस करूंगा, गुड्स मैन्युफैक्चर करूंगा, जो मैं खर्चा करूंगा उसके ऊपर मैं टैक्स भी पे करूंगा। सो डायरेक्ट टैक्स सबसे पहले डायरेक्टली पे करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स किसी और इंसान के थ्रू। डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव इन नेचर, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर नॉट प्रोग्रेसिव इन नेचर। डायरेक्ट टैक्स हम इनकम पे करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स हम खर्चों पे करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था डायरेक्ट टैक्स में फ्लो अपोजिट होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में फ्लो सिमिलर होता है। एंड लास्ट हमने एग्जांपल देखे थे, अगर तुम लोग तुम्हारे पिछले सेम के बुक्स देखो तो पहले पेज पे तुम्हें ये मिलेगा डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, करेक्ट। तो इस सेम में हम लोग कंप्लीटली इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ने वाले हैं, और वो भी सर्विस टैक्स एंड सेल्स टैक्स, दैट इज वैट। आधा आधा सिलेबस है, 100 मार्क्स में से 50 मार्क्स सर्विस टैक्स के लोगे, 50 मार्क्स तुम लोग को वैट के लोगे। तो पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं सर्विस टैक्स। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सर्विस टैक्स, आधा सिलेबस सर्विस टैक्स है, आधा सिलेबस एमवैट है, ठीक है। अब सर्विस टैक्स किस पे होगा, अब जरा बताओ, सेल्स टैक्स किस पे होता है, जब मैं सामान सेल करूंगा उसके ऊपर जो टैक्स आएगा दैट इज सेल्स टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है, जब मैं इनकम कमाऊंगा तो उसके ऊपर जो आएगा दैट इज इनकम टैक्स। सो व्हाट इज सर्विस टैक्स, अगर मैं किसी को सर्विस प्रोवाइड करूंगा तो उस सर्विस के ऊपर जो भी टैक्स आएगा दैट इज कॉल्ड सर्विस टैक्स, करेक्ट। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। बट सबसे पहला क्वेश्चन, अरे यार ये इनडायरेक्ट टैक्स की जरूरत क्या थी, ठीक था ना, इनकम टैक्स जो लोग पैसा कमाते हैं उससे टैक्स ले लो, बात खत्म हो गई, गवर्नमेंट को पैसा मिल गया। प्रॉब्लम क्या हो गया, गवर्नमेंट अपने पास कितने लोग हैं, 100% लोग हैं, ये अपनी इंडिया की पॉपुलेशन, 100% पॉपुलेशन में से तुम्हारे हिसाब से कितने परसेंट लोग पैसे कमा रहे, तुमको क्या लगता है, गेस करो, गेस तुक्का मारो कितना हो सकता है। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे 50%, काफ़ी लोग सोच रहे होंगे 70%, काफ़ी लोग सोच रहे होंगे 20%, करेक्ट। अगर किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो कोई बोल सकता है चलो सर 10%। हाँ, अब क्या होता है, कुछ लोग बोलेंगे सर ऐसा थोड़ा होता है, चार लोग के फैमिली में दो लोग तो कमाते हैं, 50% लोग तो पैसा कमाते हैं, फिर बेटा भी कमाता है, कुछ कुछ फैमिली में तो 100%, चार में से चार लोग कमा रहे हैं। बट ये सब जगह नहीं होता, ये सिटीज में हो सकता है, मुंबई में हो सकता है, नागपुर में हो सकता है, दिल्ली में हो सकता है, अलग अलग अच्छे जगह पे हो सकता है जहाँ पे चार लोगों में से दो लोग पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वैसा होता है कि पैसे कमाने की जरूरत होती है। बट ये गांव में नहीं होता, गांव में सोचो एक इंसान है, एक इंसान के छोटा भाई छोटा बहन, हाँ, फिर उसके आगे मम्मी पापा, फिर वाइफ, फिर कुछ बच्चे, 8-9 लोगों के फैमिली में एक इंसान कमा रहा है, सो इट इज़ जस्ट अराउंड 10-12%। इकोनॉमिक्स के हिसाब से इंडिया में ओनली 6-10% लोग ऐसे हैं जो पैसे कमाते हैं, अर्निंग 6-10% लोग ऐसे हैं जो पैसे कमा रहे हैं। इतने सारे लोगों के लिए इतने लोग पैसे कमा रहे हैं, अब तुमको क्या लगता है, पैसे कमाने वाला हर इंसान टैक्स भरेगा, बड़े बड़े पैसे कमाने वाले लोग टैक्स की चोरी करते हैं, छोटे लोग तो छोड़ो, तो भी तुम्हारे हिसाब से कितने परसेंट लोग गवर्नमेंट को टैक्स देते होंगे। रीसेंट स्टडी के हिसाब से तुम इनकम टैक्स के साइट पर जाके चेक कर सकते हो, रीसेंट स्टडी के हिसाब से 2-3% लोग ऐसे हैं जो टैक्स पे कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट को इन सारे लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए जो पैसा चाहिए वो पैसा कितने लोगों से आएगा, सिर्फ 2-3% लोगों से आएगा। तो इतने से लोगों पर इतने सारे लोगों का बर्डन आ रहा है, अब गड़बड़ हो गई, अब क्या करें, अब गवर्नमेंट को तो पैसा चाहिए, पैसा आएगा किधर से, टैक्स, गवर्नमेंट और कहीं से भी पैसे नहीं कमाए, गवर्नमेंट टैक्स लेगी। तो गवर्नमेंट स्टार्टिंग में पहले क्या किया, तो 20% टैक्स आएगा, फिर गवर्नमेंट को और पैसा चाहिए, पैसे कम कट रहे, 30% कर दिया, पैसे और चाहिए, बहुत पैसे कम कट रहे, 50% कर दिया। जरा सोच के देखो, तुम लोग ग्रेजुएट हो गए, बाहर निकले, तुम लोग को 4 लाख का पैकेज मिल गया, 2 लाख गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे, 2 लाख ही तुम्हारे पास आएंगे,
अब तुम लोग घर पे कितना दोगे और पार्टी कितने करोगे, समझ रहे हो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? फिर गवर्नमेंट को और पैसा चाहिए। देर वॉज अ टाइम इन इंडिया, यू कैनॉट बिलीव यू, देर वॉज अ टाइम इन इंडिया जब इंडिया में 95% तक टैक्स था। मतलब समझो तुम लोग को 10 लाख का पैकेज मिलता है, 9.5 लाख गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे, 50,000 तुम्हारे पास आएगा, अब क्या करोगे? इतनी बुरी हालत इंडिया में थी, तब जाके गवर्नमेंट को लगा कि भाई साहब ये गड़बड़ है, एक काम करते हैं, पैसे कमाने वाले तो इतने ही लोग हैं, खर्च करने वाले तो सारे हैं, तो सिर्फ कमाने वालों पे प्रेशर डालने से अच्छा एक काम करते, जो पैसे खर्च कर रहे हैं ना उन पे भी प्रेशर डालेंगे। तो पैसे खर्च करते ही जो भी टैक्स हमें आएगा दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। ऑब्वियसली नेसेसरी चीज़ों पे टैक्स नहीं आता है, बट काफ़ी सारे खर्चों पे जो टैक्स आता है दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब जब इनडायरेक्ट टैक्स शुरू हुआ था सबसे पहले वो था सामान के ऊपर, गुड्स के ऊपर। गुड्स के ऊपर क्या क्या टैक्स हो सकते हैं? तो सबसे पहले गुड्स को मैन्युफैक्चर किया, एक्साइज ड्यूटी आएगी। गुड्स को यहाँ से वहाँ लेके गए, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्राइड ड्यूटी, अलग अलग चीज़ें आएंगी। फिर गुड्स को सेल किया तो उस पर सेल्स टैक्स आएगा। अगर गुड्स को इंडिया के बाहर भेजा या इंडिया के बाहर से इंडिया में लेके तो कस्टम ड्यूटी आएगी। तो सामान के ऊपर टैक्स हुआ करता था। फिर गवर्नमेंट को लगा कि सिर्फ सामान के ऊपर ही हम टैक्स क्यों लें? तुम लोगों ने नाम सुना होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह, सुना है ना कि मोदी मोदी करते करते भूल गए, वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने अपने एक स्पीच में बोला था कि देर इज नो रीजन कि मैं सर्विसेज को टैक्स से एग्जेम करूं। उन्होंने बोला मेरे पास कोई रीजन नहीं है कि सर्विस पे टैक्स क्यों ना लिया जाए, इसके लिए मैं सर्विसेज पे भी टैक्स लेना चाहता हूं। और इस तरीके से जन्म हुआ सर्विस टैक्स का। अब क्या हुआ था ना, तुम्हारे पैदा होने के कुछ सालों पहले एक नई इंडस्ट्री बूम हो रही थी एंड दैट वॉज सर्विस इंडस्ट्री। क्या हो रहा था? तो इंटरनेट आ रहा था, टेलीफोन आ रहा था, अलग अलग इंश्योरेंस सर्विसेज, कॉल सेंटर्स आ रहे थे, फिर शेयर मार्केट ऑनलाइन हो रहा था, स्टॉक ब्रोकिंग सर्विस आ रही थी, अलग अलग चीज़ें आ रही थी। तो ये सारी चीज़ें जब इंडिया में आ रही थी तो गवर्नमेंट को लगा कि भाई इधर से भी टैक्स हमें लेना चाहिए। अब क्या करते हैं, तो एक साथ सर्विस के ऊपर अगर सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस करेंगे तो प्रॉब्लम ऐसा हो जाएगा, चटका लगेगा, बराबर चटका लगेगा। क्या होगा, अब तुम लोगों ने सुना होगा कि बकरे को खिला पिला के हलाल करते हैं। तो गवर्नमेंट ने यही सोचा कि सारे पब्लिक को हलाल तो करना है बट खिला पिला के, सबसे पहले उन सर्विसेज के ऊपर सर्विस टैक्स लेके आएंगे जिससे आम जनता को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब वो सर्विस टैक्स लेके आए, उनको नहीं पता था कि हम किस तरीके से सर्विस टैक्स लेके आने वाले हैं। वो तीन सर्विसेज पे सर्विस टैक्स लेके आए, तीन सर्विसेज। अब कौन सी बताऊंगा, अब पहले समझो क्या हुआ था 1994 में। एक एक पॉइंट में लिखता हूं। 1994 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सोचा कि चलो सर्विसेज के ऊपर भी सर्विस टैक्स लेके आएंगे। तो रिसर्च करने के लिए उन्होंने एक कमिटी बिठाई, उस कमिटी के हेड थे मिस्टर राजा जे चेलिया, मिस्टर राजा जे चेलिया। इनके अंडर एक कमिटी की स्थापना हुई, उस कमिटी ने बहुत रिसर्च किया और तीन सर्विसेज बोली कि इन सर्विसेज के ऊपर सर्विस टैक्स लेके आना पड़ेगा। सबसे पहले सर्विस वो लेके आए, इट वॉज स्टॉक ब्रोकर सर्विस। दूसरी लेके आए टेलीफोन, और तीसरी लेके आए नॉन लाइफ इंश्योरेंस। इन तीन सर्विसेज के ऊपर ही सर्विस टैक्स था, इन तीनों के अलावा कोई भी सर्विस प्रोवाइड करो उस पर सर्विस टैक्स नहीं आएगा। सबसे पहले स्टॉक ब्रोकर, तुमको क्या लगता है उस जमाने में आम इंसान शेयर्स में ट्रेडिंग करता होगा? नहीं, बड़े बड़े लोग करते होंगे। ठीक है, तो आम जनता को कुछ फर्क नहीं पड़ा, जो भी सबसे पहला चटका लगा वो चटका किसको लगा? स्टॉक ब्रोकर। दूसरा टेलीफोन, उस जमाने में जब टेलीफोन आया था 16 रुपये इनकमिंग और 32 रुपये आउटगोइंग, ये रेट था। जरा सोच के देखो, 32 रुपये आउटगोइंग उस जमाने का, मतलब आज का पकड़ लो कम से कम 650 रुपया, 650 रुपये का एक कॉल। कभी रिचार्ज भी करते हो 650 का, उस जमाने में एक कॉल करना होगा ना 650 लगेंगे। तो आम लोगों ने तो कभी फ़ोन देखा ही नहीं था, देखा ही नहीं था। तो बड़े लोगों के पास फ़ोन था, तो टेलीफोन सर्विसेज के ऊपर भी वो सर्विस टैक्स लेके आए। और तीसरा लेके आए नॉन लाइफ इंश्योरेंस, मतलब जनरल इंश्योरेंस।
आम जनता लाइफ इंश्योरेंस करती है। तुम्हारे घर में जो सामान है, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, उसका इंश्योरेंस है? नहीं, आम जनता अपने सामान का इंश्योरेंस नहीं करती। बड़े बड़े बिजनेसमैन उनके एसेट्स का, उनके फैक्ट्री का, उनके मशीनरीज का इंश्योरेंस करते हैं। तो तीन जगह पे सर्विस टैक्स आया, इन तीनों सर्विस में आम जनता को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, बट गवर्नमेंट आम जनता को भी हलाल करना चाहती थी, बट स्टार्टिंग उन्होंने इस तरीके से की कि आम जनता उनके अपोज में ना आए, ठीक है। अब ये हो गया, फिर धीरे 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 उन्होंने आम जनता को हलाल करना शुरू कर दिया। मतलब उन्होंने क्या कर दिया, इन तीन सर्विसेज में धीरे धीरे सर्विसेज ऐड करते गए करते गए करते गए करते गए सर्विसेज ऐड करते गए करते गए और फाइनली 119 सर्विसेज हो गई थी जिन पे सर्विस टैक्स आता है, और ये आम जनता भी अभी ऑलमोस्ट हलाल हो चुकी थी। तीन सर्विसेज से आया हुआ सर्विस टैक्स फाइनली 119 सर्विसेज पे आ गया। इसका मतलब था कि इन सर्विसेज पे सर्विस टैक्स आएगा, इन सर्विसेज के अलावा कोई भी सर्विस प्रोवाइड करो उस पे सर्विस टैक्स नहीं आएगा। इस अप्रोच को बोला जाता था सिलेक्टिव अप्रोच। सिलेक्टिव अप्रोच मतलब क्या, तो ये सिलेक्टेड सर्विसेज थी, इन्हीं सर्विसेज पे, ये 119 सर्विसेज जो थी इन्हीं सर्विसेज पे सर्विस टैक्स आएगा, इनके अलावा जितनी भी सर्विसेज है कोई भी सर्विस आप प्रोवाइड करो सर्विस टैक्स नहीं आएगा, सिंपल रूल था। अब लोग चालू, और इंडिया के लोग तो बहुत ही ज़्यादा चालू, क्या किया लोगों ने कि इन्हीं में से कुछ सर्विसेज को अलग तरीके से अलग नाम से प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, रिपेयर नाम की सर्विस थी, अगर मैं किसी एसेट्स का रिपेयर्स की सर्विस प्रोवाइड करूं तो मुझे सर्विस टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि वो सर्विस इन 119 सर्विसेज के लिस्ट में है तो सर्विस टैक्स भरना पड़ेगा, तो रिपेयर्स के ऊपर मुझे सर्विस टैक्स भरना पड़ेगा। लोगों ने आइडिया क्या किया, यही सर्विस को किसी और नाम से प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। उन्होंने नाम दे दिया एसेट मेंटेनेंस। अब हम क्या करेंगे, तुम्हारा एसेट मेंटेन करेंगे, हमें साल का कॉन्ट्रैक्ट दो, जैसे एसी जब खराब होता है तो अब तब आप हमें कॉल करते हो, हम आके रिपेयर करके जाते हैं। अब एक काम करो, पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट दो, हम उस एसेट को मेंटेन करेंगे, रेगुलर आके उसकी साफ सफाई करेंगे, कुछ खराब हुआ तो रिपेयर करेंगे, बट रिपेयर करना हमारी सर्विस नहीं है, हम उस एसेट को मेंटेन करने वाले हैं। मतलब काम रिपेयर्स का ही करेंगे, बट उसका नाम दे दिया एसेट मेंटेनेंस, और सिर्फ नामकरण करने के वजह से ये रिपेयर नाम की सर्विस अब सर्विस टैक्स के एरिया के बाहर आ गई। मतलब लोगों ने यही टैक्सेबल सर्विसेज अलग अलग तरीके से प्रोवाइड करना शुरू कर दिया और गवर्नमेंट को उल्लू बनाना शुरू कर दिया, और गवर्नमेंट के आंखों में ये बात आ गई कि हम उल्लू बन रहे हैं, मामू बन रहे हैं, ये क्या हो गया, टैक्सेबल सर्विस ऐसी लोग अलग नाम से प्रोवाइड करें जिससे सर्विस टैक्स की खुलेआम चोरी हो रही है। अब क्या करें, गवर्नमेंट को आ गया गुस्सा, और फाइनली 2012 में गवर्नमेंट ने ये सारा गुस्सा उतार दिया, बोला नहीं चाहिए, ये पूरा सर्विस टैक्स हम डिलीट कर रहे हैं, डिलीट मतलब डिलीट, हमें ये सर्विस टैक्स नहीं चाहिए, हम एक नया सर्विस टैक्स लेके आएंगे और उस सर्विस टैक्स में ऑल सर्विसेस आर टैक्सेबल, अब किसी भी नाम से कोई भी सर्विस प्रोवाइड करो हमको फर्क नहीं पड़ता, तुमको सर्विस टैक्स भरना ही पड़ेगा क्योंकि ऑल सर्विसेज टैक्सेबल, क्योंकि लोग चीटिंग कर रहे थे। अब चाहे रिपेयर के नाम से सर्विस प्रोवाइड करो या एसेट मेंटेनेंस के नाम से सर्विस प्रोवाइड करो, सर्विस टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, ऑल सर्विसेज आर टैक्सेबल। बट इस वजह से ना और एक प्रॉब्लम हो गया, हे भगवान कितने प्रॉब्लम हो रहे, क्या प्रॉब्लम हो गया, कुछ लोगों के हाथ ऊपर आ गए, सर हॉस्पिटल, बात तो सही है, हॉस्पिटल के ऊपर सर्विस टैक्स कहाँ से आया, नहीं आना चाहिए, चलो ठीक है, ऑल सर्विसेज माइनस हॉस्पिटल। और एक हाथ ऊपर आया, सर कॉलेज, यार गवर्नमेंट को समझ में आ गया गड़बड़ हो गई, चलो ठीक है, ऑल सर्विसेज माइनस हॉस्पिटल माइनस एजुकेशन। और छोटे छोटे हाथ ऊपर आने लगे, सर शमशान घाट, हे भगवान गवर्नमेंट को समझा कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी है, सारे सर्विसेज के ऊपर हम सर्विस टैक्स तो लेके आ गए बट गड़बड़ ऐसी होगी कि कुछ सर्विसेज पे सर्विस टैक्स नहीं लाना था वो भी पकड़े जा रहे हैं, अब क्या करें, अब गवर्नमेंट फिर से ये हटा के पुराने सर्विस टैक्स पे नहीं आ सकती थी, नाक कट जाएगी, नाक ऊंची करके यहाँ तो आ गए, अब क्या करें। अब गवर्नमेंट ने एक आइडिया लगाई, उन्होंने एक लिस्ट निकाली, उस लिस्ट का नाम रखा निगेटिव लिस्ट। और उस निगेटिव लिस्ट में 17 ऐसी सर्विसेज थी जिन सर्विसेज के ऊपर सर्विस टैक्स नहीं आएगा,
अब रूल कैसे बन गया, ऑल सर्विसेज आर टैक्सेबल माइनस निगेटिव लिस्ट। निगेटिव लिस्ट में कोई भी सर्विस ऐसी नहीं होगी जिस पे गवर्नमेंट सर्विस टैक्स चार्ज करेगी, और ये उन्होंने निकाला फाइनेंस एक्ट में। अब फाइनेंस एक्ट में कुछ भी चेंज करना होगा ना, कायदे में कुछ भी चेंज करना होगा तो पार्लियामेंट की परमिशन लगती है। होता है ऐसा है, कांग्रेस वाले हाँ बोलेंगे तो बीजेपी वाले ना बोलेंगे, बीजेपी वालों ने हाँ बोले तो आम आदमी वाले ना बोलेंगे, उन्हें ना बोले तो ये लोग हाँ बोलेंगे, सब गड़बड़ होती शुरू हो जाएगी। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, इसमें चेंज नहीं कर सकते बट हमें और कुछ सर्विसेज ऐसी लेके आनी है जिसपे हमें सर्विस टैक्स नहीं चार्ज करना। तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला और उस नोटिफिकेशन में वो लेके आए मेगा एग्जेम्पशन लिस्ट। मेगा एग्जेम्पशन लिस्ट में शुरुआत में 39 सर्विसेज थी, फिर 39 की 40 हो गई, 42, 45, 50, आज 50 से ज़्यादा सर्विसेज ऐसी है जो इस मेगा एग्जेम्पशन लिस्ट में आती है जिन पे सर्विस टैक्स नहीं आता। तो अगर मैं सब चीज़ को कवर करूँ, फिर से एक बार देख लो, 1994 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, हाँ उन्होंने सोचा कि चलो हम सर्विसेज के ऊपर भी सर्विस टैक्स लेके आएंगे, तो उन्होंने एक कमेटी की स्थापना की। उस कमेटी के हेड थे मिस्टर राजा जे चेलिया, तो उस कमेटी का नाम था चेलिया कमेटी। तो चेलिया कमेटी के रिकमेंडेशन से 1994 के फाइनेंस एक्ट में सर्विस टैक्स आ गया। अब उस सर्विस टैक्स में तीन चीज़ें ऐसी थी, तीन सर्विसेज ऐसी थी जिन पर सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया। सबसे पहला था स्टॉक ब्रोकर, दूसरा था टेलीफोन, तीसरा था जनरल इंश्योरेंस मतलब नॉन लाइफ इंश्योरेंस। फिर गवर्नमेंट ने लगा इससे हमारा क्या होगा, तो उसमें सर्विस ऐड करते गए, फाइनली 119 सर्विसेज ऐसी हो गई जिसपे सर्विस टैक्स नहीं आता है। फिर हो गया कि लोगों ने उन्हीं सर्विसेज को किसी और नाम से प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, तो गवर्नमेंट को गुस्सा आ गया। एंड 2012 में उन्होंने पूरा अप्रोच ही चेंज कर दिया। पहले था सिलेक्टिव कवरेज कि इतनी ही सर्विसेज टैक्सेबल, इसके अलावा कोई भी सर्विस प्रोवाइड करो उस पे सर्विस टैक्स नहीं आएगा। अब वो लेके आए कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, ऑल सर्विसेज आर टैक्सेबल, उसमें से इतने सर्विसेज पे सर्विस टैक्स नहीं आएगा। पहले था सिलेक्टिव अप्रोच, अब आ रहा है कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। तो कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच में ऑल सर्विसेज आर टैक्सेबल माइनस नेगेटिव लिस्ट माइनस मेगा एग्जेम्पशन लिस्ट। अब ये जो भी मैंने पूरा पैराग्राफ आपके सामने बोला है, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं, बहुत सारे, ऑलमोस्ट हर साल वहां पे 4 से 5 मार्क के ऑब्जेक्टिव इसी पैराग्राफ से आएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे। देखो तुम्हें बुक्स तो मिलने ही वाले, हो सकता है मिल भी चुके हो, है कि नहीं, बट हम फिर भी हमारे लैंग्वेज में अच्छे से लिखेंगे। तुम कोई भी बुक रिफर करो, चाहे तुम्हारे कॉलेज के लाइब्रेरी से उठाओ, या किसी दोस्त का उठाओ, या किसी और क्लासेस की उठाओ, मैं चाहता हूँ तुम एक बार लिख लो ताकि लास्ट डेट पे ना वो बुक पढ़ने की नौबत नहीं आएगी, हमारे नोट्स में से पढ़ोगे पूरा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, सेम टू सेम कॉपी करना, जो मैंने अभी तक लिखा वो हर चीज़ में अभी लिखने वाला हूँ। ओके, तो मेरा लिख के हो चुका है और पूरा पैराग्राफ सेम टू सेम कॉपी करो, तुम्हें किसी भी बुक में यही चीज़ें मिलेगी, बट ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी है मैंने, और जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव के काम आएगा उसको मैंने अंडरलाइन किया है। अगर तुमने देखा होगा पिछले सेम में हमने ऑब्जेक्टिव्स अलग से नहीं किए थे, बट हमने जो नोट्स लिखे थे उसी में से ऑब्जेक्टिव आए थे, इधर भी सेम चीज़ होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने पूरी चीज़ लिखी जो मैंने बोली थी, हर जगह मैंने रेड से अंडरलाइन किया है जहाँ पे ऑब्जेक्टिव आ सकता है, तुम लोग भी उसको रेड से ही अंडरलाइन करो। और फिर एक बादल मैंने वहाँ पे बनाया, वो बादल भी तुम लोग को सेम टू सेम कॉपी करना है, ठीक है। तो जल्दी से कॉपी करो।
ओके, तो ये सर्विस टैक्स कायदा कानून आता कैसे है? कल उठ के अगर मोदी जी बोले चलो तुम लोग इंडिया में सांस ले रहे हो, सांस टैक्स, तुम इंडिया में हंस रहे हो, स्माइल टैक्स, तुम इंडिया में जी रहे हो, जीने का टैक्स, कितना प्रॉब्लम हो जाएगा? सोच के देखो, अगर ऐसा आ जाए कि रोज का 1000 रुपया सांस टैक्स, सांस लेने के, सांस नहीं तो फिर इंडिया के बाहर जाओ, सांस लेके वापस आओ, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। बट गवर्नमेंट कर सकती है, कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। कोई भी कायदा कानून इंडिया में इंट्रोड्यूस करने से पहले गवर्नमेंट के पास भी एक पावर होनी चाहिए। गवर्नमेंट के ऊपर कौन होता है? गवर्नमेंट के ऊपर कौन होता है? अपना संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, करेक्ट। तो गवर्नमेंट को अगर संविधान ने परमिशन दी है तो ही वो इंडिया में टैक्स लेके आ सकते हैं, कोई भी कायदा कानून लेके आ सकते हैं। और ये जो भी पावर्स है इंडिया में 3 पार्ट में डिवाइड होती है। सबसे पहला होता है लीस्ट 1, दूसरा होता है लीस्ट 2, और तीसरा क्या हो सकता है? ओ यू आर सो स्मार्ट, लीस्ट 3, करेक्ट। लीस्ट 1, लीस्ट 2, लीस्ट 3। लीस्ट 1 होता है यूनियन लीस्ट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट ही कायदा कानून लेके आ सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसमें कुछ चेंजेस कर सकती है। वो टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी कायदे कानून लेके आ सकती है वो सारे पॉइंट्स लिखे होते हैं लिस्ट 1 में, दैट इज कॉल्ड यूनियन लिस्ट। दूसरी लिस्ट है स्टेट लिस्ट, मतलब कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ही कायदे कानून लेके आ सकती है, वो सारे टॉपिक्स दिए लिस्ट 2 में। एंड लिस्ट 3 इज फॉर बोथ गवर्नमेंट्स, तो दोनों गवर्नमेंट मिलके जिन टॉपिक्स पे कायदे कानून लेके आ सकते हैं वो परमिशन उन्हें मिलती है लिस्ट 3 से। अब अपना इनकम टैक्स जो होता है वो आता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, सर्विस टैक्स जो होता है वो भी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेल्स टैक्स जो होता है वो होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो अगर कोई पूछे कि एमवैट,